विषय में जानकारी लेना चाह रहे थे बेटा। मेरा बेटा माता सेहत के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, जी स्वास्थ्य तो इसका काफी बिगड़ा हुआ है। माता जी, इन्फेक्शन के योग बनते हैं शरीर में, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम्स बनेगी बेटे को। जी माता जी, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम्स बनेगी, पढ़ाई में वीक होगा। जी स्वास्थ्य में तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है इस बेटे को। काल सर्प दोष भी है इसका, अः गुरु चांडाल दोष भी है, थोड़ा सा जिद्दी भी होगा ये बेटा, जी जिद करता है, ऐसा है। करता है या जी नहीं आप ही बताएं। जी माता जी, हाँ, ये बेटा सुनता सबकी है, करता मन की है, अभी तो छोटा है, स्कूल जी जाने लगा है देवी, नहीं, अभी नहीं जाता है। हाँ, अभी नहीं भिजाए हैं। हाँ बातें कम करता है ना थोड़ी, तो अभी नहीं जाता हाँ तो इसकी जो है ना मनोस्थिति जो थोड़ा पीछे रहेगा, ये जी। 2 साल लेट रहेगा इसका मस्तिष्क का विकास, जी माता जी, ऐसा है। जी पर ठीक हो जाएगा। ठीक होगा मैया की कृपा से, विशेष ध्यान अगर आपने नहीं दिया तो ये फिर ठीक होने में थोड़ा दिक्कत जाएगा इसको बेटे को, जी माता जी, कोई, क्योंकि हाँ जी माता जी, इसका अंगारक योग भी है, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है, मस्तिष्क का इसका जो विकास है वो लेट हुआ है जी देर से, तो ये जन्म से 2 साल पीछे ही रहेगा। जब ये साल भर का हो गया तब इसको 2 महीने की अकल आई होगी। नहीं माता जी, ये बड़ा एक्टिव था, बहुत अच्छा था, मतलब बातें भी करता था ये। हाँ तो ये ना अभी बीच में बीमार हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कम आवाज भी नहीं निकल रही होगी ना बराबर। बात कर रहा अब ना, ऐसे मतलब अपनी ही मस्ती में रहता है, बात सुनता पूरी है, समझता है। हाँ मंद बुद्धि टाइप का हो गया है अभी इसका दिमाग, जी, तो इसके लिए एक तो इस बाला का काल सर्प दोष है बेटा, इसको अंगारक योग, काल सर्प दोष और भूत चांडाल के कारण ये जो है सुनेगा सबकी लेकिन करेगा मन की, जो इसको अच्छा लगेगा वही करता है। तो जी माता जी, इसका क्या है, इलाज तो आप करवा ही रहे हैं, इलाज तो चल ही रहा है इसका, जी, लेकिन इलाज जब हम करवा रहे हैं और हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो उसमें हमें लाभ होना चाहिए, हाँ जी, है ना। तो क्या है कि हम सबसे पहले डॉक्टर कारण पकड़ता है, कारण से फिर निवारण करता है दवाइयों के माध्यम से, हाँ और हम भी जो है सबसे पहले कारण देखते हैं कि किस कारण से इसको ये बीमारी के योग बने, किस कारण से ये इतना दुर्बल हुआ है बेटा, इसका जी मस्तिष्क जो है, तो सुनते हुए भी अनसुनी करना, जी माता जो जी, काम नहीं करना चाहिए वही काम करना, जहां जी मना करे वही वो एडवांस, वही जा करके वही खेल खेलना, तो वही ये हरकतें जो है इसकी, और समझाओ तो समझ में नहीं आ रही है ऐसे, मतलब थोड़ा बड़ा होता तो सोचे कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन वो छोटा है, वो जी नाटक थोड़ी ना कर रहा है, उसको जैसे लग रहा जी है वो उसी हरकत को व्यक्त कर रहा है। तो जी माता जी, इस विषय को आपके पति देव रहे सामने, उनको भी सुनाइएगा, देखो मैं अकेले भी किसी महिला को ऐसा नहीं बताती हूँ कि बेटे को ऐसा वैसा है। नहीं, मेरे पति सामने ही बैठे हैं। हाँ तो पति रहे सामने, अपने घर के बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग हैं सियाने, उनकी सलाह से ही हमें कोई किसी से पूछवाना चाहिए, है कि नहीं। खैर वो तो माँ है, माँ का हृदय मानता नहीं, ऐसा लगता है कि कहाँ से उपाय मिल जाए तो हम कर लें अपने बेटे के लिए, लेकिन इनसे भी बढ़कर के सर्वे सर्वा आपके पति देव हैं, जी उनकी सलाह से ही हमें किसी कहीं पूछवाना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि तुम सामने बिठा करके उनसे, और वे सुन रहे हैं ना हमारी बात। जी ठीक है ठीक है, बात करवाइए उनसे। जी हेलो, या हाँ माता बेटे, जी, हाँ बेटे, या माता जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी, जय माता जी की। बेटा, जी आपके जो पुत्र हैं उनको कालसर्प दोष और अंगारक योग है बेटे, और हाँ जी, गुरु चांडाल दोष भी है इस बेटे को, जिस कारण से ये बेटा सुनता सबकी है, गुरु चांडाल दोष के कारण ये सबकी सुनेगा लेकिन करेगा मन की, हाँ जी, ऐसे योग बनेंगे।
और ऐसे योग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अंगारक योग के कारण इसके जो ब्रह्मांड में नसें, जो ब्लड की नसें जो है ना, वो बराबर अपनी रफ्तार से काम नहीं करने के कारण ये स्मरण शक्ति इसकी तीव्र गति से नहीं चल रही है, तेज। तो स्मरण शक्ति तेज गति से चलने लगे, जैसे आपकी हमारी सबकी चल रही इसी प्रकार चलने लगे, तो इसके लिए इसका अंगारक योग की शांति आप करवावें। ठीक है जी। तीसरा जो है, इस बेटे को काल सर्प दोष है, नौवां काल सर्प दोष। अगर कोई विद्वान महापुरुष कहे कि भाई किन्ने बता दिया आपको कि काल सर्प दोष तो है ही नहीं इस बेटे को, और आपने कैसे बता दिया, तो उनसे आप बोलिएगा कि इस बेटे को जो है नौवां काल सर्प योग है। हाँ, और नौवां काल सर्प योग है ही इसको, लेकिन नौवां काल सर्प योग का नाम क्या है, तो आप नाम भी उनको बता पाएंगे। बेटे, और नौवां काल सर्प योग इसको है, उसका नाम है शंखनाद काल सर्प योग। तो शंखनाद काल सर्प योग की आपको शांति करवानी ही होगी, और इसका अनुष्ठान होता है काल सर्प योग शांति का, लगभग 21 दिन अनुष्ठान होता है। और ये काल की गति से मुक्ति पाने के लिए काल सर्प योग की शांति बाबा महाकाल के सानिध्य में ही रहकर